हेलो फ्रेंड्स, इमरजेंसी कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिंस आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें कि होम्योपैथिक मेडिसिंस का बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है, तो मैं डॉक्टर पूनम वर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इमरजेंसी कंडीशन में भी होम्योपैथिक मेडिसिंस उतनी ही कारगर सिद्ध होती हैं जितनी कि किसी क्रॉनिक केस में होती हैं, लंबी बीमारियों के केस में होती हैं। तो आज का यही विषय है, आज मैं इसी विषय पे कुछ जानकारी शेयर करूंगी, बताऊंगी कि किस प्रकार से ये होम्योपैथिक मेडिसिंस इन इमरजेंसी कंडीशन में आपकी मदद कर सकती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इमरजेंसी कंडीशंस में भी होम्योपैथिक मेडिसिंस का उतना ही अच्छा रोल है जितना कि एक क्रॉनिक केस में होता है, लंबी बीमारियों के केस में होता है, जैसा कि ये आर्थराइटिस के केस में, डायबिटीज़ के केस में, और जोड़ों के दर्द में अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिंस बहुत ही अच्छा रोल करती हैं। ये सारी की सारी क्रॉनिक केसेस हैं, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि अगर आप जैसे इस समय शीत लहर चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, आप बाहर जाते हैं, आपने प्रॉपर तरीके से कपड़े नहीं पहने हैं और आपको ठंड लग जाती है, आपको फीवर हो जाता है या सर में दर्द होने लगता है, तो यह एक इमरजेंसी कंडीशन है। और इसमें एकोनाइट बहुत ही अच्छा रोल करती है, ठंडी हवा के झोंकों से होने वाली जो भी समस्याएं होती हैं, सर दर्द हो गया या फिर फीवर हो गया या फिर आपके गले में सूखा सूखापन लग रहा है, खराश सी हो रही है, तो इसमें भी एकोनाइट बहुत ही अच्छा रोल कर प्ले करती है। आपको एकोनाइट को 30 पोटेंसी में लेना है, इसकी दो दो बूंदें आप एक एक घंटे के इंटरवल पर ले लेते हैं जब तक कि आपकी समस्याओं में आपको आराम नहीं मिल जाता है। इसके साथ ही साथ एकोनाइट ऐसे केसेस में भी बहुत ही अच्छा रोल करती है कि अगर आपको शॉक हो जाता है, सदमे में आ जाते हैं कोई बैड न्यूज़ सुनकर, अगर ऐसी कोई बुरी खबर सुनने के बाद आप शॉक की कंडीशन में आ जाते हैं, सदमा लग जाता है, उसमें भी एकोनाइट का बहुत ही अच्छा रोल है। तो एकोनाइट को इस कंडीशन में भी 30 पोटेंसी में लेना है, इसकी दो दो बूंदें आप लें, दो दो घंटे के इंटरवल पर लें जब तक कि आपको आपकी समस्याओं में आराम नहीं मिल जाता है। तो ये इन इमरजेंसी कंडीशन में एकोनाइट बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एपिस। एपिस का किस कंडीशन में अच्छा रोल है, तो अगर किसी हनी बी ने काट लिया या फिर किसी भी प्रकार के कीड़े ने अगर काट लिया है, काटने के बाद आपको उस काटी हुई जगह पर रेडनेस हो गई है, वो जगह फूल गई है, उसमें स्वेलिंग हो गई है, छूने पे वो हॉट लग रहा है, उसमें इसके साथ ही साथ चुभने जैसा दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में एपिस का बहुत ही अच्छा रोल है। एपिस को आप 30 पोटेंसी में लें, इसकी दो दो बूंदें दो दो घंटे के इंटरवल पर ले लें, और अगर आप 3 से 4 इसकी डोज ले लेते हैं तो आपकी समस्याओं में आपको काफ़ी आराम मिल जाता है। अगर समस्या फिर भी परसिस्ट करती है तो आप कुछ दिन तक और ले लें इसको। इस बी स्टिंग में, इंसेक्ट बाइट्स में एपिस का बहुत ही अच्छा रोल है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आर्निका। अगर आपको किसी प्रकार की चोट लग गई है जो कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से है, जिससे भारी, जैसे कोई भारी सामान है जिसका बहुत एरिया आपके शरीर के कांटेक्ट में आया और आपको चोट लग गई, वो एरिया कंजेस्टेड हो गया, वहाँ पे थोड़ा नीलापन हो गया, तो ऐसे केसेस में आर्निका का बहुत ही अच्छा रोल है। आर्निका जो है वहाँ पे जो दर्द होता है, जो वहाँ पे कंजेशन होता है, इन सबको ख़त्म करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, और जो चोट लगने के बाद जो स्थान पे जो नीला नीला हो जाता है उसको भी ख़त्म करने में आर्निका का बहुत ही अच्छा रोल है। तो आपको आर्निका को 30 पोटेंसी में लेना है, इसकी दो दो बूंदें आप दो दो घंटे के इंटरवल पर लें जब तक कि आपकी समस्याओं में आपको आराम नहीं मिल जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है जलने के लिए। अगर आप के हाथ में कहीं भी किसी प्रकार से अगर जल गया है, जैसे कुकिंग करते समय अक्सर जल जाते हैं, कोई भी गर्म बर्तन से हाथ छू गया तो वहाँ पे जलन जैसा लगता है, जलने जैसा सेंसेशन होता है, या फिर तेल पड़ गया आपके हाथ पे तो वहाँ पे फफोले आ जाते हैं, इन सभी कंडीशंस के लिए कैंथेरिस का बहुत ही अच्छा रोल है। कैंथेरिस जो है वहाँ पे जो जलने की जलने का जो सेंसेशन होता है उसे भी ख़त्म कर देती है, उसके साथ ही साथ जो फफोले पड़ जाते हैं उनको भी ख़त्म करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। आप कैंथेरिस को 30 पोटेंसी में लें, इसकी दो दो घंटे के इंटरवल पे आप लेते हैं तो आपकी समस्याओं में आपको काफ़ी आराम मिलता है।
एक मैं रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखें, तभी आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। मैं सारे के सारे सिम्टम्स बताती हूँ, उनके आधार पे मेडिसिंस बताती हूँ, जिन सिम्टम्स से आपके सिम्टम्स मैच करते हैं उन मेडिसिंस को लें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी आपकी समस्याओं को लेके कोई भी आप कन्फ्यूज़न में हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है, अगर आप किसी हिली एरिया पे गए हैं माउंटेन सिकनेस के लिए, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप हिली एरिया पे गए, हाई आल्टीट्यूड पे अक्सर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने पर हमें हेडेक होने लगता है या फिर हमें बहुत बेचैनी सी होती है, तो इन सब कंडीशंस के लिए कार्बोवेज का बहुत ही अच्छा रोल है। आप कार्बोवेज को 30 पोटेंसी में लें, इसकी दो दो बूंदें एक एक घंटे के इंटरवल पर लें, जब तक कि आपकी जो समस्याएं हैं आपको उसमें आराम नहीं मिल जाता है। तो कार्बोवेज का माउंटेन सिकनेस में बहुत ही अच्छा रोल है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आर्सेनिकम अल्बम। अगर आपने कोई बाहर का ऐसा कुछ खाना खा लिया और उसके बाद आपको काफ़ी बेचैनी हो रही है, इसके साथ ही साथ आपको डायरिया हो रहा है, दस्त होने लगा, उल्टी आने लगी, इन सब कंडीशंस के लिए आर्सेनिकम अल्बम बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। आर्सेनिकम अल्बम को आपको 30 पोटेंसी में लेना है, इसकी दो दो बूंदें दो दो घंटे के इंटरवल पर आप 3 से 4 डोज ले लें, जब तक कि आपकी समस्याओं में आराम नहीं मिल जाता है। आपको आगे कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछें। नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है ईपीकॉक। अगर आपको आपने कुछ ऐसा खा लिया है उसके बाद आपको बहुत उल्टी आ रही है, बहुत मिचली जैसी आ रही है, मिचली के बाद उल्टी भी आ रही है, लेकिन उल्टी से आपको आराम नहीं मिलता है, उल्टी के बाद भी आपको मिचली जैसी बनी रहती है, तो इस कंडीशन में ईपीकॉक का बहुत ही अच्छा रोल है। आप ईपीकॉक को 30 पोटेंसी में लें, इसकी दो दो बूंदें दो दो घंटे के इंटरवल पर लें, और तो आपकी जो समस्याएं हैं उनमें आपको काफ़ी आराम इसमें महसूस होता है। ईपीकॉक का नास मिचली आने में और उल्टी में बहुत ही अच्छा रोल है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ओवर ईटिंग के बाद, अगर आपके पेट में दर्द होता है, आपको खट्टी डकारें आती हैं, डकारों से भी आपको आराम नहीं मिलता है, तो इस कंडीशन में नक्स वोमिका और कार्बोवेज का बहुत ही अच्छा रोल है। आप नक्स वोमिका और कार्बोवेज को 30-30 पोटेंसी में लेके दो दो घंटे के इंटरवल पे अल्टरनेट करके लेते हैं, तो आपकी समस्याओं में आपको काफ़ी आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये हैं इमरजेंसी कंडीशन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन, और इनका बहुत ही अच्छा रोल है। ये क्लिनिकली प्रूवन है, इनके बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स इन सभी कंडीशन में देखे गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। तो मैं आशा करती हूँ मेरी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।